Alright, तो आज का ये वीडियो इस चैनल के पिछले वीडियो का एक कंटिन्यूएशन, पिछले वीडियो का एक पार्ट टू है। जी हाँ, इस चैनल के लास्ट वीडियो में आई स्पोक अबाउट अ फ्यू थिंग्स, अ फ्यू हैक्स यू कैन डू इन ऑर्डर टू मेक फ्रेंड्स। अगर आपको दोस्त बनाने हैं, दोस्ती करनी है, देन व्हाट आर द फ्यू थिंग्स यू कैन डू, व्हाट आर द फ्यू साइकोलॉजिकल थिंग्स, फिजियोलॉजिकल थिंग्स जो आप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक न्यू फ्रेंड्स। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है, चेक करो एंड लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। लेकिन वो वीडियो देखने के बावजूद अगर आपसे दोस्ती नहीं हो पाती, अगर आपके दोस्त नहीं बन रहे, अगर आपसे कोई बात नहीं कर रहा, देन व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाई इज़ इट सो दैट आपसे दोस्त नहीं बन रहे या फिर दोस्ती कोई आपसे नहीं करना चाह रहा। वेल, आज के इस वीडियो में आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन फॉर यू। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, यह मेंस एसेंशियल सिंधी। लेट्स रॉन्ग, थैंक यू। ओके, तो सबसे पहली बात, इन केस यू हैवंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखनी है इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। 500-600 वीडियोस हैं भाई, एक बार चेक करो, कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर सीख जाओगे। दूसरी बात, अगर आपको ये शर्ट पसंद आया, अगर आपको ऐसे पोलोस, टी शर्ट्स या फिर हैंडलीस चाहिए, देन यू कैन चेक देम ऑल आउट एट teamybasics.com और एट boston.com। बढ़िया शूज़, बढ़िया टी शर्ट्स, बढ़िया शर्ट्स, ऑल फॉर यू। इवन हेयर प्रोडक्ट कंपनीज कमिंग सून, आ परफ्यूम कंपनीज कमिंग सून, स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। नाउ दैट बीइंग सेड, दैट बीइंग क्लियर, बात करते हैं आपके दोस्ती की। ओके, तो अगर आपने पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा, वेर आई टॉक्ड अबाउट अ फ्यू थिंग्स यू कैन डू, जहाँ पे आप लोगों से मिल सकते हो, लोगों से दोस्ती कर सकते हो और एक दोस्ती मेंटेन कर सकते हो, उसके बावजूद अगर आपसे दोस्त नहीं बन रहे, देन व्हाट आर द फ्यू थिंग्स यू कैन डू एज ऑफ नाउ। देखो, आई थिंक पिछले हफ्ते का जो वीडियो था या फिर जो पिछला वीडियो था इस चैनल पे, दैट वाज प्रोबब्ली द पार्ट टू, और ये शायद पार्ट वन होना चाहिए था, क्योंकि दिस आई थिंक इज अ बिट मोर रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट। जेंटलमैन, अगर आपके एफर्ट के बाद भी, अगर आप बाहर जाके लोगों से मिल रहे हो, फिर भी अगर आपसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, तो फिर देर आर अ फ्यू थिंग्स यू कैन डू एंड यू कैन चेंज एज ऑफ नाउ। उसमें से सबसे पहला होता है आपका पर्सनैलिटी और आपका पर्सोना, आपका इमेज और स्टाइल वाला खेल। क्योंकि देखो भाई, अगर आपका ग्रूमिंग और स्टाइल अगर ऑन पॉइंट नहीं है, अगर आप थोड़े शैबी, थोड़े लेथार्जिक, लेजी या फिर अगली टाइप दिखते हो, वेर यू हैवंट रियली स्पेंट एनी टाइम वर्किंग ऑन योरसेल्फ, तो बाय डिफॉल्ट जस्ट द वे ह्यूमन नेचर इज, लोगों को अट्रैक्टिव लोगों से दोस्ती करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लोगों को अनअट्रैक्टिव लोगों से दोस्ती करने में थोड़ी झिझकता और थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा शक होता है। दैट्स जस्ट हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी इज। तो अगर आपने ये ट्राई किया है कि आप जाके लोगों से बात भी कर रहे हो, स्टिल पीपल आर वेरी ऑकवर्ड एंड वियर्ड अबाउट थिंग्स, देन यू कैन ट्राई दिस वन थिंग, अपने स्टाइल और ग्रूमिंग पे काम करो, अच्छा सा हेयर स्टाइल ले लो और बेसिक चीज़ों पे इन्वेस्ट करके अपना स्टाइल थोड़ा बदल के देखो ना। टीमी बेसिक स्टार्ट सेट 500 रुपये, अगर 500 रुपये भी ज़्यादा आपके लिए, तो भाई हमारे वेबसाइट पे जाके या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे जाके एक इंस्पिरेशन देख लो कि कैसा आउटफिट दिख सकता है ये, एंड यू कैन बाई समथिंग सिमिलर फॉर 100-200 रुपीज़, जितना भी आपका बजट हो, जहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। द पॉइंट, द आइडिया इज, जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो करो, लेकिन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्टाइल, योर पर्सनैलिटी, योर इमेज एंड योर ग्रूमिंग। अगर आप थोड़े अट्रैक्टिव हो गए, अगर आप थोड़े विजुअली प्लीजिंग होंगे, अगर आप थोड़े आँखों को अच्छा दिखने लगे, तो लोग खुद ही काफ़ी क्यूरियस हो जाएंगे आपसे दोस्ती करने के लिए। क्यों? क्योंकि दैट्स जस्ट हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी इज, लोगों को अट्रैक्टिव लोगों से बात करने में, उनसे दोस्ती करने में और उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने में काफ़ी मज़ा आता है। दिस गोज़ विद गाइज एंड गर्ल्स एज वेल। अगर आप किसी वेल ग्रूम्ड या वेल पुट टुगेदर इंसान को देखोगे, तो आप उनमें बड़े आसानी से भरोसा करते हो, आप उनको थोड़ा सा लेवरेज देते हो कि शायद ये बंदा उतना घटिया या फिर उतना पागल ना हो। अगर पागल या घटिया निकला, वो दूसरी बात है, बट यू कैन स्टिल गिव देम अ बेनिफिट ऑफ द डाउट। अब हमें आज इस टाइम पे बस वो बेनिफिट ऑफ द डाउट चाहिए कि भाई देख, मेरा मन बहुत साफ़ है, मेरा दिमाग बहुत साफ है, मैं बहुत ही खुश नसीब और खुश टाइप का इंसान हूँ, लेकिन ये मुझे अपने स्टाइल और इमेज में कैसे दिखाना है। वेल, मैं अच्छा सा स्टाइलिश या फैशन फॉरवर्ड कुछ शर्ट, टी शर्ट या फिर वैसे कुछ आउटफिट पहनूंगा, मैं अपने बाल अच्छे से कटवाऊंगा, अपने आप को अच्छे से ग्रूम्ड रखूंगा, ताकि मेरा जो मन साफ और मेरा जो सोच साफ़ है, वो मेरे फिजिकल अपीयरेंस में भी दिखे, ताकि तुझे पता चले कि भाई देख, मैं कोई बोरिंग या फिर अजीब सा इंसान नहीं हूँ, मैं बढ़िया इंसान हूँ, तो बढ़िया इंसान है, चल दोस्ती करते हैं और कुछ मज़ेदार करते हैं साथ में। दिस इज़ वेयर योर स्टाइल, इमेज, ग्रूमिंग एंड द पर्सनैलिटी कम्स इन। अगर आपको आज भी डिफिकल्टी हो रही है टू मेक फ्रेंड्स, दिस इज़ समथिंग यू हैव प्रॉब्ली नॉट वर्क ऑन, और दिस इज़ समथिंग यू हैव प्रॉब्ली नॉट ट्राइड टिल डेट। दूसरा स्टेप, थोड़ा नुआंस, थोड़ा सटल, लेकिन काफ़ी ज़रूरी स्टेप, अपने शक्ल पे स्माइल। अगर आपको लोगों से बात करने में प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको लोगों से बात करने में एंग्जाइटी होती है, या फिर थोड़ा अजीब सा फील होता है, क्यों बात करूं यार, वो काम कर रहा है अपना, वो काम कर रही है अपनी, क्यों डिस्टर्ब करूं, यू जस्ट डू दीज टू थिंग्स। एक, अपने स्टाइल, इमेज और ग्रूमिंग को ट्रांसफॉर्म कर लो।
अपना बेस्ट वर्जन बन जाओ, जहाँ पे आप अपना सबसे अच्छा रूप दिख रहे हो, जैसे आपका मन है, जैसे आपका सोच है वैसा। इफ़ योर थॉट्स आर क्लियर, इफ़ योर मन इज ब्यूटिफुल, यू शुड बी लुकिंग एंड फीलिंग एग्जैक्टली लाइक दैट। एक बार वो हो गया, देन द सेकेंड थिंग यू हैव टू डू, द ओनली थिंग आई रिकमेंड यू डू इज पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। अगर आप अच्छा दिखने लग गए तो लोग पहले से क्यूरियस हो जाएंगे आपसे दोस्ती करने के लिए, लेकिन अगर आप एक सड़ा सा शक्ल बना के बैठे हो कोने में, देन इट विल जस्ट बी अलॉट मोर डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कम अप टू यू एंड बी फ्रेंड्स विथ यू। अगर आप अपने शक्ल पर स्माइल डाल दिए, इवन वेन यू आर स्टडिंग एंड डूइंग एनीथिंग, अगर आप बैठ कर पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन थोड़ा स्माइल के साथ कर रहे हो, दैट मेक्स यू अलॉट मोर अप्रोचेबल, दैट मेक्स यू अलॉट मोर फन। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इसको मज़ा आ रहा है। अगर इसको मज़ा आ रहा है तो इसको शायद ज़िंदगी में मज़ा आता है, ये उतना सीरियस या उतना सड़ू टाइप का इंसान नहीं है, इससे दोस्ती किया जा सकता है। बिकॉज इज़ अ गुड लुकिंग गाई, अट्रैक्टिव बंदा है भाई, मसल वसल है इसकी, अच्छा स्टाइलिश बंदा है और स्माइल वाइल कर रहा है, तो आई थिंक आई शुड गो टॉक, एंड दैट्स हाउ पीपल कम एंड टॉक टू यू एंड दे बिकम योर फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ यू ट्राइंग टू गो टॉक एंड वर्क ऑन दी होल एंग्जाइटी पार्ट ऑल टुगेदर। अगर आपको बात करने में प्रॉब्लम है, अगर आपको बात करने में डर लगता है, दिस इज़ वन ब्यूटिफुल एडवाइस आई वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड। मैं ये करता था, मैं ये बहुत टाइम तक, आज भी शायद यही करता हूँ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ माई फ्रेंडशिप, माई नेटवर्किंग एंड माई गेम इवन टू सम एक्सटेंट, क्योंकि मैं उतना एक्सट्रोवर्टेड, मैं उतना बातू नहीं, मैं उतना सोशली आउटगोइंग नहीं हूँ, लेकिन मुझे स्टाइल और इमेज आता है, मुझे ग्रूमिंग आता है, और मुझे अपने शक्ल पे स्माइल रखना और अपने आप को सीरियसली नहीं लेना आता है। दिस मेक्स इट अलॉट मोर ईजियर फॉर पीपल टू कम अप टू मी एंड बिकम माई फ्रेंड। तीसरा टिप या तीसरा हैक, ये ज़रूरी है और ये दूसरे टिप के थोड़ा कॉन्ट्ररी है, कि भाई जाके लोगों से बात करना शुरू करो। मुझे ये नहीं सिखाना आपको क्या बात करें, कैसे बात करें, लड़की से कैसे बात करें, गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं, नहीं, नन ऑफ इट, भूल जाओ। अगर लड़की से बात कर रहे हो तो गर्लफ्रेंड का आइडिया ही भूल जाओ, अगर लड़कों से बात कर रहे हो तो भूल जाओ कि मुझे उसकी तरह बनना, कुछ नहीं। आपको बस दोस्ती करनी है और आपको बस जाके बात करना है, दोस्ती भी भूल जाओ। दोस्ती भी बिकम्स अ थिंग दैट यू वुड प्रॉब्ली आस्क, या तू मेरा दोस्त बन, वो भी भूल जाओ। अगर दोस्ती होनी है हो जाएगी, अगर वो दोस्त बनना है बन जाएगा, उसमें कोई प्रेशर नहीं है। अ फ्रेंडशिप कैन नॉट बी अ प्रेशर्ड कुकर, इट हैज़ टू बी फ्री फ्लोइंग, इट हैज़ टू बी ऑर्गेनिक। आपको अगर दोस्ती करनी है, द वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन डू फ्रॉम योर एंड, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जाके बात करो। अगर आपने ये आदत बना ली और अगर आपने ये आदत सीख लिया कि भाई अगर मुझे कोई भी इंटरेस्टिंग बंदा दिखता है, बंदी दिखती है, जिसको मुझे लगता है मुझे दोस्ती करनी चाहिए, आई शुड गो टॉक टू हर, आई शुड गो टॉक टू हर, मुझे बस जाके बात करना है। जेंटलमैन, अगर ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, तो भाई आपकी जो सोशल लाइफ है आपकी ज़िंदगी में, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स, इट विल बी अ लॉट मोर एक्साइटिंग फॉर यू टू मेक अमेजिंग फ्रेंड्स, एंड यू विल हैव अ फैंटास्टिक टाइम। ट्राई दिस इन केस यू हैवंट लर्न दिस। सारे एजेंडा, सारे डेस्पिरेशन, सारे नीड भूल जाओ, कोई दोस्ती नहीं करनी हमें, हमें बस जाके बात करना है। जिसको भी हम इंटरेस्टिंग, जो भी हम इंटरेस्टिंग लगे, हम जाके उससे बस बात करेंगे, दैट्स इट। प्रोवाइडेड आप स्माइल अपने शक्ल पर रखें और अपना ग्रूमिंग स्टाइल इमेज, ऑब्वियसली दैट हैज़ टू बी ऑन पॉइंट ऑल द टाइम। और चौथा, आखिरी, शायद से सबसे नुआन, सबसे ज़रूरी, कि भाई थोड़ी नई नई चीज़ें ट्राई करो। अगर आप बस पढ़ाई करते हो तो थोड़ा खेल कूद करो, अगर आप बस खेलते हो तो थोड़ी पढ़ाई करो, अगर आप लाइब्रेरी में नहीं जाते तो लाइब्रेरी जाओ, अगर आप फुटबॉल ग्राउंड में नहीं जाते तो फुटबॉल ग्राउंड में जाओ, अगर आप कुछ ऐसा नहीं करते जो आपको बड़ा अजीब लगता, अगर आप नाचते नहीं, गाते नहीं, सिर्फ पढ़ाई करते हो, डू दैट। अगर आप सिर्फ खेलते हो तो फिर थोड़ा पढ़ाई करो। यू डू ऑल ऑफ इट, यू ट्राई टू डू वट एवर यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी आपकी उम्र कम है। अगर अभी आपने थोड़ा अपना एक्सपीरियंस ब्रॉड कर लिया तो आपके दोस्त भी बड़े अलग अलग स्पीयर से बनेंगे। आज शायद आप बस एक ही चीज़ से शुरू कर सकते हो, प्रॉब्ली योर स्टडीज और योर स्पोर्ट्स और वट एवर दैट देयर इज समथिंग कॉमन एंड समवन इंटरेस्टिंग इन दैट। लेकिन जैसे जैसे आपकी इंटरेस्ट और हॉबीज़ बढ़ेगी, आपके दोस्त भी आपके ज़िंदगी में बढ़ेंगे, एंड दिस कैन ओनली हैपन व्हेन यू बिल्ड द हैबिट ऑफ ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। आपका कॉलेज, आपका स्कूल, आपका ऑफिस, इन सब जगह से आप नई नई एक्सपोजर और नया नया एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में प्राप्त कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू मेक न्यू फ्रेंड्स, मीट न्यू पीपल एंड हैव न्यू एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ। आई होप दिस हेल्प्स, आई होप दिस वन वॉज वेल वर्थ योर टाइम। अगर आपको ऐसे वीडियोज और देखनी है, कॉमेंट करो, और अगर आपका ऐसा शर्ट, हेनली, पोलो या फिर क्रू नेक में इंटरेस्ट है, देन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट वेबसाइट एट tmebasics.com एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट शूज, स्नीकर्स, बूट्स, long straps and loafers at bosn.com. Hair product and perfume coming soon, stay tuned for that as well. But for now, I'll take your leave. जाके आपके लिए Bosn और Basics और दूसरे वाले secret company में काम करता हूँ और कुछ नए नए सामान लाता हूँ। Till then, don't forget to dress up, stay strong and stay stylish. Don't forget to go out and make new friends. My name is Mayank Bhattacharya. Thanks a lot for watching. ध्यान रखना, ख्याल रखना। जय हिंद, take care, bye.